रामनगरी अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। श्री रामलला के मंदिर के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार अयोध्या का भी विकास तीव्र गति से कर रही है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उच्चीकरण रामनगरी की गरिमा के अनुरूप किया जा रहा है, जिसमें रेलवे स्टेशन का बाहरी सिरा मंदिर नुमा होगा। इसके साथ ही सरकार इस प्रयास में है कि अयोध्या रेलवे स्टेशन पर उतरने के साथ ही श्रद्धालु रामलला के मंदिर का भी दर्शन स्टेशन से ही कर सकेंगे। दरअसल राम मंदिर निर्माण कार्य के साथ साथ अयोध्या रेलवे स्टेशन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। लगभग 140 करोड़ की लागत से अयोध्या का रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। इस रेलवे स्टेशन की खास बात ये होगी कि ये रेलवे स्टेशन बाहर से मंदिर नुमा दिखाई देगा। वहीं बन रहे रेलवे स्टेशन की जानकारी देते हुए अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन होगा वो देश का सबसे सर्वोत्तम रेलवे स्टेशन होगा और अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर ही भगवान रामलला का मंदिर का दर्शन हो सके, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। अयोध्या का रेलवे स्टेशन इस देश का सर्वोत्तम रेलवे स्टेशन बन रहा है। अयोध्या जो प्रभु श्री राम की नगरी है, आध्यात्मिक नगरी के रूप में इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के माध्यम से जो अयोध्या का विकास हो रहा है, उसमें अयोध्या का रेलवे स्टेशन भी एक कड़ी के रूप में देखा जाना चाहिए। अभी तो फर्स्ट फेज का काम पूरा हो रहा है, सेकंड फेज के काम के लिए भी 300 करोड़ रुपया रखा गया है और आने वाले समय में सेकंड फेज का काम भी पूरा किया जाएगा। अयोध्या स्टेशन देखने के बाद यह एहसास होता है कि हम अयोध्या में प्रभु श्री राम की नगरी में उपस्थित हैं और मन प्रफुल्लित हो जाता है। अयोध्या रेलवे स्टेशन की लागत लगभग 140 करोड़ रुपए के आसपास है। अयोध्या में जो भी विकास के काम होंगे वह सब मंदिर मॉडल का उसका स्वरूप हो या मोदी जी के मार्गदर्शन में और अयोध्या के सभी राम भक्तों की इच्छा है किसी प्रकार से होना चाहिए और योगी जी और मोदी जी दोनों लोग मिल करके उसी प्रकार से अयोध्या का विकास कर भी रहे हैं। जो भी स्टेशन होगा और भी काम होंगे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, वह सब का सब मंदिर मॉडल के रूप में दिखे, जिससे आम आदमी को अनुभूति हो कि हम अयोध्या में आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सारस न्यूज़, अयोध्या।